शांता मौसी, जरा देखिए दरवाजे पे कौन है। ज्योतिका कहाँ है? मैडम, आपकी दोस्त लोग आई हैं। ज्योतिका, क्या हुआ बेबी? इतना घबरा कर फोन किया, सब ठीक तो है? बेब्स, यू ऑल राइट? राइट, फाल्गुनी, महुआ, अतनु का किसी के साथ तुम दोनों क्या लोगी? चाय? सैंडविच चलेगा, मेरी तो वही मसाले वाली चाय। शांता मौसी, जरा मेरे को अलमारी में कपड़ा जमाने का है, आप खुद ही जाकर बना लो चाय अपने मेहमानों के लिए। What the hell यार, तेरी शांता मौसी को महुआ से प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। महुआ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी चाय, सैंडविच। थैंक यू। महुआ, क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं यार, ये चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा है। बादाम डाला है क्या? नहीं तो थोड़ी और शक्कर डाल दूं? दो। अरे चम्मच तो नहीं है। शांता मौसी, चम्मच ले आना प्लीज। किलो। अभी भी कुछ अजीब सा टेस्ट है यार। एनीवे, वो छोड़। तू ये बता कि हमें इतनी जल्दी में यहाँ पर बुलाया क्यों? फाल्गुनी, महुआ, अतनु का किसी के साथ अफेयर चालू है। What? लेकिन तुझे पता कैसे चला? मुझे बहुत दिनों से शक था, लेकिन कल रात मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, किसी औरत के साथ, और मेरा यकीन पक्का तब हुआ जब मैंने आज सवेरे ये देखा। अतनु की शर्ट पर लिपस्टिक का दाग, महुआ तुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, ये पता नहीं चाय पीने के बाद कुछ
चक्कर सा आ रहा है। एनीवे, ये बता, तुझे पता चला कि वो औरत कौन है? नहीं, अगर पता चल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा है तो ये मेरी चाय में क्या है? महुआ, तुझे क्या हो रहा है? कब से कह रही चाय अजीब है, चाय में कुछ है, प्रॉब्लम क्या दे रही? अरे यार, शायद चाय की पत्ती है, निकाल देती हूँ। ज्योतिका, जैसे मैंने तुझे अतनु की जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्या अतनु की जिंदगी में वो जो दूसरी औरत है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। महुआ, तुम? और ये आज से नहीं, और ये आज से पिछले दो सालों से चल रहा है। अतनु मुझसे बेहद प्यार करती है, वो तुझे छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती है। महुआ, महुआ, ये तो क्या कह रही है? देख ज्योतिका, ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ, यही बेहतर, यही बेहतर। वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म। मेरी मैडम को बचाना ही होगा केडी साहब, मैं जानती हूँ वो बिल्कुल बेकसूर है, और यह बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इतना यकीन तो दो ही लोगों को होता है शांता मौसी, एक वो जिसने खून नहीं किया और दूसरा जिसने खून किया हो। अरे ये तो गजब बात हो गई, मैं यह केस लेकर आपके पास आई हूँ और आप हैं कि मुझे पर शक कर रहे हैं। शांता मौसी, अगर सवाल ना पूछो तो जवाब तक नहीं पहुंच सकते, और अगर शक ना करो तो सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मिसेस बिलोमोरिया, ये आपके जो इमली के धुएं वाला नुस्खा है फेल है एकदम। मेरा जुकाम अब सरदर्द में बदलता जा रहा है। शांता मासी, कहते हैं कि अगर जुकाम की दवा लो तो एक हफ्ते में जुकाम गायब हो जाता है, और अगर दवा ना लो तो 7 दिन में गायब हो जाता है। पुलिस क्या कहती है? नहीं, मतलब मेरे जुकाम के बारे में नहीं, ये हत्या के बारे में, कत्ल के बारे में। लगता किसी ने जहर देकर इसे मारा है। बादाम की खुशबू, ऐसी खुशबू तो एक ही जहर से आती है, और वो है
साइनाइड। ज्योतिका जी ने चाय बनाई, परोसी भी उन्होंने, पुलिस को उन पर शक है, जाहिर सी बात है। ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थी? मैं देखिए अदालत में बताइएगा, ये तो डबल काम हो जाएगा। ये बताइए कि आप ये केस लेकर क्यों आई मेरे पास? ज्योतिका जी के पति मिस्टर अतनु ठाकुर को आना चाहिए था। ये बात उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदालत में पूछ लूंगा उनसे। आप ये बताइए मेरे जुखाम के लिए कोई नुस्खा है आपके पास? योराना 13 जून 2011 दोपहर 3:15 बजे मिसेस ज्योतिका ठाकुर ने अपने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक अपनी दोस्त महुआ सिन्हा के लिए, और फिर अपने हाथों से दोनों कप्स को सर्व किया। योराना, ये कप ज्योतिका का है जिस पर फोरेंसिक्स को जहर का कोई भी सुराग नहीं मिला। और ये उस कप के पीसेस हैं जो ज्योतिका ने महुआ को दिया था, और इस पर फोरेंसिक्स को पोटेशियम साइनाइड की ट्रेसेस मिले। ऑर्डर ऑर्डर। महुआ को आपने घर बुलाया किसने? ज्योतिका ने। चाय के लिए पूछा किसने? ज्योतिका ने। चाय बनाई किसने? ज्योतिका ने। चाय परोसी किसने? ज्योतिका ने। खून किया किसने? ज्योतिका ने। यही कहना चाहती है ना आप? लेकिन शायद आप भूल गई कि हर कत्ल का एक मकसद होता है। एंड योर ऑनर, चाय बनाते और परोसते समय ज्योतिका ठाकुर के पास महुआ का कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि इनके पति की प्रेमिका महुआ है। ये बात महुआ ने चाय पीने के बाद सबको बताई। मिस्टर पाठक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त ज्योतिका चाय बना रही थी उस वक्त उसे सच पता नहीं था, राइट? एब्सोल्युटली। योर ऑनर, डिफेंस बहुत कन्वीनियंटली बताना भूल चुके हैं कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर के पास से पुलिस को ये फोटोग्राफ्स बरामद हुई थी। इन फोटोग्राफ से साफ जाहिर है कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर को पहले से ही अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता था, विच आल्सो मींस कि ज्योतिका के पास पहले से ही महुआ के कत्ल की वजह थी। अब आप क्या कहेंगे मिस्टर डिफेंस काउंसिल? ये तस्वीरें कहां से आई मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये तस्वीरें मेरे पर्स में रखी थी। किसने? उसी ने योर ऑनर, जिसे महुआ की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, महुआ की अपनी बहन मिसेस फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह, मैं मिसेस शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? सॉरी, थोड़ी सी जुकाम है। तो मिसेस फाल्गुनी शाह, आप और महुआ दो ही बहनें हैं, राइट? जी। आपका जो करोड़ों का ज्वेलरी बिजनेस है खानदानी, अब महुआ के जाने के बाद उसके पूरे पूरे मालिक और मालकिन आपके पति मिस्टर समर्थ शाह और आप हैं, राइट? व्हाट डू यू मीन कि पैसों के लिए मैंने अपनी बहन को मार डाला? एक्सक्यूज मी, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन मैं पूरा टाइम महुआ के साथ ही थी। तो चाय में जहर मैं कैसे मिला सकती हूँ? चाय में जहर इसने मिलाया है। हाँ, तो वो चाय जो बनी थी वो उसी आसाम की खास पत्ती से बनी थी जो आपने 2 दिन पहले ही ज्योतिका को गिफ्ट की थी, इज दैट करेक्ट? जी जी, लेकिन मिस्टर शाह, आपको आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। योराना, फोरेंसिक्स ने सिर्फ चाय की नहीं, ज्योतिका के पूरे किचन की जांच ली है, और उनका नतीजा क्या है ये जानने के लिए मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी को बुलाना चाहूंगी। जहर न चाय की पत्ती में था, न चाय के मसाले में, न दूध में, न पानी में, और न शक्कर में। वो जहर पोटेशियम साइनाइड अलग से डाला गया था, वो भी सिर्फ महुआ सेना की चाय में। डॉक्टर रस्तोगी,
मिसेस ज्योतिका ठाकुर एक आम घरेलू महिला है, तो इन्हें पोटेशियम साइनाइड कहाँ से उपलब्ध हुआ? जाहिर सी बात है कि अपने किराने की दुकान से तो नहीं। जी, पोटेशियम साइनाइड आम लोगों को मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपको या तो किसी केमिकल लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा या केमिकल मैन्युफैक्चरर के पास। किराना, ज्योतिका के पति मिस्टर अतनु ठाकुर एक केमिकल साइंटिस्ट है, उनके लैब में पोटेशियम साइनाइड इजीली अवेलेबल है। मैं उन्हें इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? जी। मिस्टर अतनु ठाकुर, आपकी वाइफ यानी कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर, क्या उनका आपके केमिकल लैब में आना जाना था? जी, ज्योतिका मेरी वाइफ थी, है। फिर क्या ये कहना सही होगा कि वो जो साइनाइड की शीशी थी वो मिसेस ज्योतिका ठाकुर ने आप ही के केमिकल लैब से चुराई थी? इज दैट पॉसिबल? जी, हो सकता है। एक और बात हो सकती है मिस्टर ठाकुर, क्योंकि फोरेंसिक्स के मुताबिक आपके लैब में जो साइनाइड की शीशी है उस पर सिर्फ आपकी उंगलियों के निशान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथों से ही वो साइनाइड उस चाय के कप में पहुंचा हो। बेबुनियाद स्टेटमेंट जुराना। मिस्टर अतनु ठाकुर कत्ल के दिन घर में मौजूद नहीं थे। हाँ, लेकिन मैं मिस्टर ठाकुर से पूछना चाहूंगा कि महुआ की मौत से एक मिनट पहले आपने उन्हें उनके मोबाइल पर फोन क्यों किया था? जी, मैंने उसे फोन किया था। क्योंकि मैं उसे रोकना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे बारे में ज्योतिका को कुछ बताए। Why is that so? क्यों? क्या आप अपनी वाइफ को ये बात खुद बताना चाहते थे? नहीं, मैं खुद महुआ से छुटकारा चाहता था। उसके साथ अफेयर करके बहुत बड़ी गलती की मैंने, और जब मैंने उसे कहा कि मैं उसकी वजह से ज्योतिका को नहीं छोड़ सकता, तो उसने मुझे धमकी दी। धमकी? कैसी धमकी? यही कि अगर मैंने उसकी वजह से ज्योतिका को नहीं छोड़ा तो वो हमारे बारे में ज्योतिका को सब कुछ बता देगी। तब तो काम बन गया आपका मिस्टर ठाकुर, महुआ की मौत से छुटकारा मिल गया। मिस्टर ठाकुर, आपने अभी अभी कहा कि आप महुआ की वजह से अपनी पत्नी यानी कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर को छोड़ना नहीं चाहते थे, राइट? जी। वेल देन, मिस्टर ठाकुर, महुआ सिन्हा अपने साथ उस दिन ये डॉक्यूमेंट कैरी कर रही थी, आपका और ज्योतिका ठाकुर का डिवोर्स स्टेटमेंट, जिस पर बाय द वे आपके सिग्नेचर्स भी। यू सी दैट? लेकिन ये योर ऑनर, डिवोर्स अग्रीमेंट पर मिस्टर ठाकुर के दस्तखत होना ये बात साबित करता है कि इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर को छोड़ने का पक्का इरादा बना लिया था, और इसी इरादे को नाकाम करने के लिए मिसेस ठाकुर ने महुआ सिन्हा की जान ली, राइट? लेकिन मैंने ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं किया योर ऑनर, किसी ने मुझे फंसाया है। कमाल है मिस्टर ठाकुर, आप कह रहे हैं कि कोई आपको फंसा रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि कोई उन्हें फंसा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने मिलकर महुआ सिन्हा को फंसाया? एक्चुअली सोचने वाली बात है मिस गुजराल, कि क्यों कोई आदमी अपनी प्रेमिका को मारकर उस जुर्म में अपनी पत्नी को फंसाएगा? ऐसा करने से तो बेचारा दोनों तरफ से जाएगा। योर ऑनर, शायद मिस्टर अतनु ठाकुर पर मेरा शक गलत था, मेरा शक दरअसल किसी और पर होना चाहिए। किस पर केडी? शांता मौसी, आपकी मैडम का ये कहना है कि आप महुआ से नफरत करती थी, क्या ये बात सही? मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी शुरू से ही। क्यों? क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि मेरी मैडम पर वह अपने पैसों का रौब झाड़ती थी। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है, इस तरह की बातें किया करती थी, इसलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात थी या? जी। क्या ये सच नहीं शांता मौसी कि आपको अतनु जी और महुआ जी के अफेयर के बारे में यानी कि उनके रिश्ते के बारे में जानकारी थी, और यही कारण था कि आप महुआ जी से नफरत करती थी? नहीं,
साहब, मेरे को उनके अफेयर का कैसे पता रहेगा? जबकि मेरी मैडम को ये बात पता नहीं थी, तो मेरे को कैसे पता होगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। वैसे आपकी महीने की तनख्वाह 8,000 रुपए है ना? जी जी हाँ। तो मिस्टर अतनू, आपके बैंक के खाते में हर महीने 20,000 रुपए जमा करवाते थे, इसकी वजह क्या है? क्या ये गलती से हुआ, या फिर उनकी दरिया दिली, या फिर ब्लैकमेल? शांता मौसी को मेरे और मऊआ के बारे में पता चल गया था, और वो पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करती थी, इसलिए। थैंक यू मिस्टर ठाकुर, आप जाइए। शांता मौसी, आइए। हाँ, मेरे को पता था, इसलिए मैं उस डायन को चाय तो क्या, पानी भी नहीं देती थी। वो मेरी मैडम को धोखा दे रही थी। आपका ये दोगला व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया शांता मौसी। एक तरफ तो आप अपनी मैडम की वफादारी में दुनिया से लड़ने को तैयार थी, और दूसरी तरफ इसी मैडम को अंधेरे में रखकर आप इनके पति से पैसे ऐंठ रही थी, जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है शांता मौसी कि आप महुआ को भले पानी का गिलास ना दे, चाय का कप ना दे, लेकिन जहर का प्याला तो दे सकती है। नॉट पॉसिबल केडी। And why is that, Miss Kuchha? इसके दो कारण हैं। एक, अतनु और महुआ के अफेयर से शांता मौसी को पैसों का फायदा हो रहा था, तो महुआ को मारकर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारती? I don't know. पश्चाताप। अगले कारण से ये भी रूल आउट हो जाता है, शांता मौसी ने ना तो वो चाय बनाई और ना ही पिलाई। हाँ हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बगल वाले कमरे में अलमारी में कपड़े रख रही थी। Excuse me. लेकिन उससे पहले एक बात जो शांता मौसी ने की थी, वो चम्मच, यानी कि ये चम्मच, जिस चम्मच से महुआ ने शक्कर घोली थी अपनी चाय में, वो चम्मच शांता मौसी आपने ला कर दी थी ना महुआ? तो अगर उस चम्मच पर जहर लगा होता तो जाहिर सी बात है कि शक्कर घोलते वक्त जहर भी चाय में घुल गया होगा, है ना शांता मौसी? Wrong, केटी। Your Honor, ये वही चम्मच है, और फोरेंसिक्स को इस पर जहर का कोई भी सुराग नहीं मिला। Mr. Pathak, can I like advise you something? अनदेखे को देखना बंद करो, अपनी आंखों के सामने जो नजर आ रहा है उसे देखो, all right? Your Honor, ज्योतिका को शक था कि उसके पति यानी कि मिस्टर अतनु ठाकुर का अफेयर महुआ सिन्हा के साथ चल रहा था, इसीलिए ज्योतिका ने उन पर जासूसी की, वो तस्वीरें खिंचवाई, और जब ज्योतिका को डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उसने महुआ सिन्हा को मारने का ये जहरीला प्लान बनाया, अपने घर में बुलाकर उसकी चाय में जहर मिलाकर पति की बेवफाई का बदला उसकी प्रेमिका से। ज्योतिका ठाकुर has killed महुआ सिन्हा। मिसेस ज्योतिका ठाकुर ने अपने किचन में जाकर दो कप चाय, एक अपने लिए और एक अपनी दोस्त महुआ सिन्हा, और फिर अपने हाथों से दोनों कप्स को सर्व, और ये उस कप की पीसेस उस कप जो ज्योतिका ने महुआ को, और इस पर फोरेंसिक्स को पोटेशियम साइनाइड का ट्रेस। जहर न चाय की पत्ती में था, न चाय के मसाले में, न दूध में, न पानी में, और न शक्कर में। वो जहर पोटेशियम साइनाइड अलग से डाला गया था। और जब ज्योतिका को डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उसने महुआ सिन्हा को मारने का ये जहरीला प्लान। ज्योतिका ठाकुर has killed महुआ सिन्हा।
ये लो। क्या है ये? काढ़ा, नीलगिरी का तेल में खट्टा धनिया विद बासी अदरक। एक सेकंड में जुकाम भाग जाएगा। जुकाम का तो पता नहीं मिसेस बिलिमोरिया, लेकिन ये देखकर तो मुझे भागने का मन कर रहा है। और ये समथिंग इज फ्लोटिंग ऑन टॉप, देखिए कुछ तैर रहा है उस पे। ओ ये अदरक का छिलका। What are you doing? ऐसा करने से तुम्हारा बंद नाक खुलेगा नहीं। नाक नहीं पर दिमाग खुल गया है मेरा मिसेस बिलमोरिया। केडी पाठा, क्या मैं स्पीक टू डॉक्टर रस्तोगी? ज्योतिका, उस दिन फाल्गुनी और महुआ तुम्हारे घर आई, उसके बाद की कहानी मैं चाहता हूं कि एक बार अदालत के सामने आप दोहराएं। एंड मिसेस शाह, मैं चाहता हूं कि चूंकि आप वहां थीं, आप भी ध्यान से सुने और अगर आप किसी बात से सहमत ना हो तो अदालत को बताइएगा। हाँ मिसेस ठाकुर, बोलिए। मैं घर पर ही थी जब डोरबेल बजी। फाल्गुनी और महुआ आए। मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा, तुम दोनों क्या लोगी? चाय? सैंडविच चलेगा। मेरी तो वही मसाले वाली चाय। फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई, फिर चाय बनाकर मैंने कप्स में डाली। और आप जब किचन में चाय बना रही थी, वहाँ शांता मौसी या कोई और किचन में नहीं? जी नहीं, कोई भी नहीं था। फिर मैं ट्रे लेकर बाहर गई। महुआ, क्या हुआ तुझे? चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा है, बादाम डाला है क्या? यानी कि महुआ ने कप खुद नहीं चुना, तुमने उसकी ओर बढ़ाया। हाँ, लेकिन चाय में जहर ऑलरेडी मिला था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अक्यूज के स्टेटमेंट को पूरा नहीं होने दे रहा। सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस ठाकुर प्लीज कैरी ऑन। फिर मैंने शांता ताई से चम्मच मंगवाया और चाय में शक्कर डाली। क्या ऐसा ही हुआ था मिसेस शाह? जी हाँ। आगे बोलिए। फिर फाल्गुनी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसे अतनु के बारे में बताया। अतनु का किसी के साथ अफेयर चालू है। What? लेकिन तब तक मौवा को चक्कर आने लगे थे। तुम्हारे जहर का असर। योर ऑनर। प्रणाली प्लीज। आगे बोलिए क्या हुआ। फिर मौवा को उसकी चाय में कुछ दिखाई दिया, उसने अपनी उंगली चाय में डुबाई और उसे बाहर निकाला। That's it, stop right here, your honor. महुआ ने अपनी उंगली चाय में डुबोकर उसे बाहर निकाला। क्या आप इस बात से सहमत हैं मिसेस शाह? जी हाँ। और महुआ ने उस दिन नेल पॉलिश लगाई थी? पिंक कलर की थी। योर ऑनर, मेरे रिक्वेस्ट पर फोरेंसिक्स ने मरहूम महुआ सिन्हा के उंगलियों पर लगे नेल पॉलिश की जांच की और उनकी रिपोर्ट इस केस की तरह ही हैरत अंगेज है। योर ऑनर, द न्यूज इज ट्रूली शॉकिंग। महुआ सिन्हा के डेड बॉडी के नाखूनों पर पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिले। उसके नेल पॉलिश में साइनाइड था। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रस्तोगी, क्या अदालत का ये मान लेना सही होगा कि जहर ज्योतिका ठाकुर के घर से नहीं, महुआ सिन्हा के साथ आया था उनके नाखूनों पर? यस केडी। योर ऑनर, ये वही जहरीली नेल पॉलिश की शीशी है जो इंस्पेक्टर दवे ने महुआ सिन्हा के घर से बरामद की। एक गिफ्ट बॉक्स में से, और ये गिफ्ट बॉक्स एक हफ्ते पहले उनके प्रेमी मिस्टर अतनु ठाकुर ने उन्हें Order, order. Quiet in the court, please. हाँ, मैंने मुवा को मेकअप बॉक्स और किट गिफ्ट किया था,
नेल पॉलिश के साथ, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया योर ऑनर। मिसेस ठाकुर, आप अपनी दोस्त महुआ को कितने बरसों से जानती हैं? 11 साल से। 11 सालों से, लॉन्ग टाइम। उनकी कोई बुरी आदत जो आपको खटकती रही हो? हाँ, वो जब भी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो अपने नाखून चबाती थी। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो नाखून चबाती थी, और एक दोस्त होकर आप ये बात जानती हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर ठाकुर भी जानते होंगे, क्योंकि मिस्टर ठाकुर तो महुआ के प्रेमी थे, राइट? मिस्टर अतनु ठाकुर, आपने नेल पॉलिश में जहर मिलाया और आपने उस पल का इंतजार किया कि वो प्रॉब्लम में हो, अपने नाखून चबाए और जहर का असर शुरू हो, इज दैट राइट? और इज दैट राइट? ऑर्डर ऑर्डर। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, जाने बचाता हूं, लेता नहीं। वन मोमेंट केडी, तुम कह रहे हो कि उस चाय में जहर तब मिला जब महुआ ने उस चाय में अपनी उंगली डुबोई, राइट? केडी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो चाय महुआ को पहले से ही अजीब लग रही थी, उसे तो इनफैक्ट चक्कर भी आ रहे थे। प्रणाली इज राइट केडी, चाय में जहर डालने से पहले ही महुआ पर जहर का असर कैसे हो सकता है? योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि ज्योतिका के घर पर पहुंचने से पहले बेचैन होकर महुआ ने अपने नाखून कतरे हो और जहर का असर वहीं से शुरू हुआ हो। बादाम जैसी साइनाइड की खुशबू उन्हें चाय से नहीं, अपनी ही उंगलियों से आ रही हो। इज दैट नॉट पॉसिबल? तो फिर सवाल यह उठता है कि महुआ की नेल पॉलिश में जहर मिलाया किसने? उसी ने, योर ऑनर, जिसने उन डाइवोर्स पेपर्स पर मिस्टर अतनु ठाकुर के जाली दस्तखत किए। उसी ने, योर ऑनर, जिसने मिस्टर अतनु ठाकुर और महुआ सिन्हा की तस्वीरें ज्योतिका ठाकुर के बैग में रखी। मिसेस फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? ये सारे इल्जाम गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया। रियली? अगर आपने कुछ नहीं किया मिसेस फाल्गुनी शाह, तो कृपया कर अदालत को बताइए कि मिस्टर अतनु ठाकुर और महुआ सिन्हा की तस्वीरें जो मिसेस ज्योतिका ठाकुर के पर्स से बरामद हुई थी, उन पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे है? ये सच है कि ये तस्वीरें मैंने ही ज्योतिका के पर्स में चोरी से रखे थे जब वो किचन में चाय बनाने गई थी। लेकिन योर ऑनर, ये काम मैंने महुआ के कहने पे किया था। झूठ बोल रही हैं आप मिसेस शाह। महुआ अपने खिलाफ सबूत ज्योतिका को क्यों देना चाहेगी जबकि वो खुद इन्हें सच्चाई बताने वाली थी? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन योर ऑनर, मैं सच कह रही हूँ। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, उस दिन जब रॉकी और बोजो को छोड़कर हम ज्योतिका के घर जा रहे थे, तो कार में ही महुआ ने मुझसे कहा कि ये तस्वीरें मुझे ज्योतिका के बैग में चुपके से रखने हैं। मिसेस शाह, ये रॉकी और बोजो खुद है, कौन है? मेरी बहन के पेट डॉग्स। ओह आई सी। महुआ ने उन्हें अपनी दोस्त को दे दिया अडॉप्शन के लिए। तो आपकी बहन ने अपने पेट कुत्तों को अडॉप्शन के लिए दे दिया, हमेशा के लिए? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्या वो अपने कुत्तों से प्यार नहीं करती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। रियली? ये काम मैंने महुआ के कहने पे किया था। महुआ ने मुझसे कहा कि ये तस्वीरें मुझे ज्योतिका के बैग में चुपके से रखने हैं। वो चाय महुआ को पहले से ही अजीब, उसे तो इनफैक्ट चक्कर दिया। फिर महुआ ने अपने कपड़े कुछ देखे, और अपनी उंगली डुबाकर उसे बाहर निकाला। कहाँ खो गए केडी?
योर ऑनर, इस केस में अब तक हम सब तीर सही निशाने पर लगा रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तीर निशाने पर नहीं, निशाना तीर पर लग चुका है। क्या मतलब? जरा सोचिए योर ऑनर, महुआ सिन्हा को बेचैनी में अपने नाखून कतरने की आदत थी, लेकिन उसके मौत के दिन उसने अपने हाथों से अपनी उंगलियों पर जहर भरा नेल पॉलिश लगाया। क्यों? फिर जान से प्यारे अपने कुत्तों को हमेशा के लिए किसी और को दे दिया। क्यों? अतनु के जाली सिग्नेचर्स वाले डाइवोर्स पेपर्स अपने बैग में लेकर वो ज्योतिका के घर पहुंची, लेकिन उसने ज्योतिका को वो कागजात नहीं दिखाए। क्यों? फिर अपनी मौत से 10 मिनट पहले महुआ सिन्हा ने वो तस्वीरें अपनी बैग से निकलवाकर ज्योतिका ठाकुर के बैग में डलवाई। क्यों? और फिर अपनी नेल पॉलिश द्वारा चाय में जहर मिलाने से पहले उसने वहां मौजूद सबको यह आभास दिलाया कि चाय में पहले से ही जहर है। क्यों? क्या है तुम्हारा असली सवाल? मेरा असली सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा पहले से जानती थी कि उस दिन उसकी मौत होने वाली है? मेरा सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा को मारने वाली महुआ सिन्हा खुद है? मेरा सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा पहले से जानती थी कि मिस्टर अतनु ठाकुर उन्हें छोड़कर वापस अपनी पत्नी ज्योतिका ठाकुर के पास लौटने वाला है, जिसके कारण उसने अपने आप को मारने का प्लान बनाया और इसका इल्जाम ज्योतिका ठाकुर के सर पर डाला। एक ही झटके में बदला ज्योतिका ठाकुर से और अतनु ठाकुर से भी। ये सोच महुआ सिन्हा के मन में कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो पाई अतनु, तो ज्योतिका भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। केजी, तुम्हारी इस दलील को सच साबित करने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो थी खुद महुआ, जो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं रही। और तुम सबूत कहां से लाओगे? महुआ के इस प्लान का ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई साथी है। तुम कैसे साबित करोगे कि महुआ ने खुद अपनी जान ली है? बहस के तौर पर मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ केडी, लेकिन बिना सबूत के तुम्हारी ये दिलचस्प दलील महज एक कानूनी बहस है। द कोर्ट नीड्स प्रूफ। न्यू ब्रेसलेट? नहीं, पुराना है, मम्मी ने दिया, सुनार से पॉलिश कराया है। अरे केडी, स्ट्रेंज गाय। तो केडी, क्या तुम्हारे पास अपनी दलील का कोई सबूत है? है योर ऑनर, लेकिन मैं इस अदालत में वो सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत को याद दिलाना चाहता हूं। मिसेस फाल्गुनी शाह और मरहूम महुआ सिन्हा दोनों बहनें थी, उनका ज्वेलरी का बिजनेस था और ये खानदानी व्यवसाय उनके मुख्य जौहरी मिस्टर मंगत राम हंसोड़िया की देखरेख में था। मैं मिस्टर हंसोड़िया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू यार।
रौनक, जौहरी का इस केस से क्या ताल्लुक? इस जौहरी का इस केस के साथ सीधा सीधा ताल्लुक है प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्योंकि इस जौहरी का इस केस के जहर के साथ ताल्लुक है। जहर योर ऑनर, पोटेशियम साइनाइड। एक आम आदमी पोटेशियम साइनाइड के जानलेवा प्रभाव के बारे में तो जानता है योर ऑनर, लेकिन पोटेशियम साइनाइड के और भी उपयोग हैं ये नहीं जानता। मिसाल के तौर पर ये सोने की सफाई में इस्तेमाल होता है, इसीलिए योर ऑनर ये न केवल केमिकल लेबोरेटरीज या केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के पास, जौहरियों के पास भी मिलता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं श्री हंसोड़िया? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरे पास इसकी शीशी भी है। धन्यवाद। और आपके बयान के मुताबिक 12 जून को महुआ सिन्हा ने आपके पास से पोटेशियम साइनाइड की ये शीशी मंगवाई थी, क्या ये सही है या नहीं मिस्टर हंसोड़िया? जी हाँ, हमारी मालकिन ने शीशी मंगवाई थी। वैसे तो हम ये शीशी किसी को नहीं देते, लेकिन मालकिन को कैसे मना कर सकते थे। वो कह रही थी कि उन्हें अपने घर में पुराने जेवरातों को साफ करना है। योर ऑनर, ये तो हम जान चुके हैं कि महुआ सिन्हा ने खुद अपने जौहरी से जहर की शीशी मंगवाई थी, लेकिन ये जहर उन्होंने क्यों मंगवाया था? मिस्टर अंसोड़िया, 13 जून सुबह महुआ सिन्हा जी का आपको फोन आया, आप दोनों के बीच बातचीत हुई, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, जरा अदालत को बताइए कि वो सवाल क्या था। जी हाँ, उसके अगले दिन मुझे महुआ मैडम का फोन आया था। भगत राम जी, एक प्रॉब्लम हो गई है, अपने गहने साफ करते करते साइनाइड मेरी उंगलियों पर गिर गए, मतलब नाखूनों पर और थोड़ा सा नेल पॉलिश पर। मेरी उंगलियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं मैडम, हाँ फौरन धो दीजिए, और एक बात का ध्यान रहे मैडम, गलती से भी ये उंगली मुंह में मत डालिएगा, वरना ये जानलेवा हो सकता। नहीं नहीं, मैं अपना ख्याल रखूंगी, डोंट वरी, थैंक्स। जी योर ऑनर, महुआ सिन्हा ने अपने जोहरी मिस्टर हंसोड़िया से ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि वो ये बात पक्की करना चाहती थी कि पोटेशियम साइनाइड को जबान से लगाते ही इंसान की मौत निश्चित है। योर ऑनर, क्या आप भी मुझे अदालत में कोई सबूत पेश करने की जरूरत है जो ये साबित करे कि महुआ सिन्हा ने अपने नेल पॉलिश में जहर मिलाकर अपनी जान लेने का प्लान बनाया? योर ऑनर, इट इज नॉट अ केस ऑफ मर्डर, इट्स सुइसाइड। केडी, तुम्हारी आखिरी दलील साबित करती है कि यह खून नहीं एक षड्यंत्र भरी खुदकुशी थी। महुआ सिन्हा ने अपनी जान लेकर उसका झूठा इल्जाम ज्योतिका ठाकुर पर डाला, जबकि ज्योतिका ठाकुर बेकसूर है, इसलिए यह अदालत मिसेज ज्योतिका ठाकुर को बाइज्जत बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी सर। हाँ ज्योतिका। आज आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि मेरा जुकाम चला गया। नहीं नहीं, आई मीन मुझे खुशी है कि तुम आजाद हो गए। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। केडी, अचानक तुम्हारा जुकाम कैसे चला गया? Who knows? I must have done something right. Right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.